साथियों, आज हम आपको बेहद चौंका देने वाली रोचक तथ्य बताएंगे। कृपया आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, शास्त्र के अनुसार गाय और कुत्ते और पक्षियों को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पक्षी हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। तो आइए दोस्त, जानते हैं इन संकेतों के बारे में हम विस्तार से। मित्रों, माना जाता है कि अगर आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो यह धन लाभ होने का संकेत देता है। साथियों, अगर आपके घर में कौवे दिखाई देता है तो ये किसी मेहमान आने का संकेत देता है। अगर आपके घर में उल्लू दिख जाए तो आप क्या समझिएगा? मित्रों, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। अगर कोई उल्लू घर में या घर के आसपास दिखे तो समझ जाइए कुछ अशुभ होने वाला है। मित्रों, घर में चमगादड़ का प्रवेश करना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि चमगादड़ को घर में प्रवेश करना मौत की सूचना को दर्शाता है। मित्रों, अगर आपके घर में कोई भी चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है तो समझ जाइए घर में जल्दी ही खुशियां आने वाली है। इससे घर में आने वाली बाधाएं टल जाती हैं। अगर आपको दिन में मुर्गी की आवाज़ सुनाई देती है तो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। साथियों, आपको एक रोचक बात बता दूं कि हमारे पुराण में मान्यता है कि अगर आपको टिटहरी किसी पेड़ पे घोंसला बनाते दिखे तो धरती पे भूकंप आने वाला है, क्योंकि टिटहरी कभी भी वृक्ष पर घोंसला नहीं बनाती है। वह जमीन पर ही अंडे देती है और जमीन पर ही रहती है। मित्रों, अगर आपको सुबह सुबह घर में कबूतर दिखे या गुटर गूंज सुनने को मिले तो समझिए कि प्रेम संबंध होने की संभावना रहती है। यदि शाम को कबूतर की गुटर गूंज सुनने को मिले तो आप समझ जाइए कि घर में चोरी और लड़ाई झगड़ा होने का संकेत माना जाता है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा।